धारा 261 से 297 सेकंड लास्ट टेस्ट है ये नगर पालिका अधिनियम का। कितने क्वेश्चन हो गए होंगे? 500-600 तो हो गए होंगे, नहीं हुए? दो सौ इकसठ हजार तो हो जाएगा, हो जाने होना में क्या है, 100-100 के तीन क्लासें लेनी, 1000 हो जाएंगे। क्वेश्चन पड़े हैं मेरे पास, क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हैं, एकदम मस्त मस्त। मैं तो करवा तो रहा हूँ यूट्यूब पर ईमानदारी से, वरना लोग देते हैं गोलियां। अर्थ हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? लास्ट पेपर तो मैं 12 तारीख को करवाऊंगा जो आने वाला है। हाँ 40 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, और वही आएगा। गारंटी थोड़ी है, फैशन फैशन के जमाने में गारंटी कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं, 261 में क्या है। और एक ध्यान रखना, आप इन धाराओं में मत उलझना ज्यादा, एक आए तो आए या दो आए, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएंगी धाराओं से। क्या है? नहाने का स्थान, नहाने का स्थान। ये ऐसा नहीं लग रहा है लाइन से है सारे सारे, उसके बाद कलुषित जल नहीं है, उसके बाद कुओं से नहीं है, और ये 68 में चला जाता है, ये 264 में, ये 263 में, ये 262 में। दो सौ इकसठ के अधीन अगर किसी ने मोहल्ले में चौराहे पर कोई टंकी कुंडी है और वहां जाकर अपनी भैंस को धो रहा है, अपने गधे को नवा रहा है शैंपू से, तो ऐसा नहीं करोगे आप। ऐसा अगर करते हो तो ये दंड मिलेगा आपको, गधे को नहाने का 2000 रुपये का दंड है। ऐसे नहाते हैं, नहाते हैं कहीं देखे हैं मैंने, इधर चले जाओ, पानी की खेड़िया बनी हुई है। तो ये 1000 से 2000 का दंड। ऐसा कोई भूमि, ऐसी कोई भूमि जैसे पानी एकत्रित होता है और वह पानी किसी निवास से कितने मीटर के अंदर स्थित है, तो नगर पालिका उस गड्ढे को भरने ढकने का निर्देश देगी। कितने मीटर? 100 मीटर, 100 मीटर के दायरे में। घर की कोई नाली कितने मीटर की दूरी तक नगर पालिका की नाली में जोड़ी जा सकती है? 50 मीटर पूछ सकते हैं। 300 मीटर आप किसी शमशान के आसपास ईंधन बेच रहे हो, तो 300 मीटर के दायरे में आप ईंधन तभी बेचोगे जब आपको लाइसेंस मिला हुआ है, अन्यथा नहीं बेचोगे। बेचते हो तो दंड मिलेगा, 300 मीटर के बाद बेच सकते हो। वो 300 वर्ग मीटर है, 300 वर्ग फीट है, मीटर नहीं है। हाँ वो अलग है। नगर पालिका किसकी रिपोर्ट के आधार पर अपनी सीमाओं में कतिपय प्रकार की खेती का प्रतिषेध कर सकती है? अब जब स्वास्थ्य से संबंधित है ये, तो कौन देगा? ये देंगे कलेक्टर साहब की रिपोर्ट पे? नहीं, एक दो तीन, मुख्य निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, कर सकता है वो, कलेक्टर के आदेश से होता है। लेकिन उसकी रिपोर्ट किसने दी है? किसने दी है? कलेक्टर अपनी इच्छा से करवा सकता है ये काम, लेकिन काम नगर पालिका का है, वो नगर निगम का है, नगर परिषद का है। 264 के तहत कतिपय प्रकार की खेती का नियमन प्रतिषेध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नगर पालिका अपनी सीमाओं के भीतर कोई विशेष खेती करने से रोक सकती है, सही है?
अगर खेती 5 वर्ष से लगातार हो रही है तो उसके प्रतिशत में हुए नुकसान की पूर्ति नगरपालिका निधि से की जाएगी। नगरपालिका राज्य सरकार की अनुमति से इस खेती पर रोक लगाएगी। धारा का उल्लंघन होने पर 2,000 रुपए का दंड का प्रावधान है? जो नहीं है, पक्की बात है, पक्की बात है एकदम। जुर्माना नहीं है इसमें, जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका की लिखित अनुमति के बिना दुर्गंध उत्सर्जित करता है या करने वाला के खाद का उपयोग करता है, नहीं, दुर्गंध उत्सर्जित करने वाला बिना अनुमति के बिना दुर्गंध उत्सर्जित करने वाला खाद का उपयोग करता है या एकत्रित करता है तो 1,000 से 2,000। तो एक ध्यान रखना, आपसे 1,000 से 2,000 वाले को छोड़ देना, बाकी सब कर देना। दो हैं, 1,00,000, 50,000, 1,00,000 वाले हैं, दो पार्किंग और जल संग्रहण, बाकी 50-500 वाला, 1,500 का है तुरंत वाला, कचरा बाहर फेंक दिया सड़क पे, 500 है क्या, 100 है ना, समझा नहीं। केवल 500 की बात कर रहे हैं, केवल 500 रुपए की बात, 100 से 500 नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है धाराओं के संबंध में, कौन सा नहीं है? कलुषित जल 62 में नहीं है क्या? कलुषित जल किसमें है? 262 में है। 61 में क्या है? नाने का स्थान, खेती 64, बिना अनुपति के खाद 65, पहले खेती फिर खाद। तो ये अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति को पीड़ा देने के लिए पटाखे अग्नि गुब्बारे छोड़ता है तो दंड का प्रावधान है। चांस कम ही पूछे, वो पूछ सकते हैं 50 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, 14 फीट, 15 फीट, 15 मीटर, 14 मीटर। समझ गए ना, 15 मीटर कॉम्प्लेक्स वगैरह। 267 में अन्य न्यूसेंसों के प्रतिषेध में शामिल नहीं है। चौथा, नाने के जलाशय में ये अन्य न्यूसेंस है, अन्य न्यूसेंस में ये सारे हैं ऊपर वाले तीनों, और सार्वजनिक जलाशय में नहीं नहाना ये 61 में है, नहाने का स्थान नहीं है। हाँ, कलुषित जल वहां तो वो है, अपने गधे को नहाना, हाँ वो है। किसी भी सार्वजनिक स्थान या मार्ग पर कोई व्यक्ति मल मूत्र विसर्जन करता है तो पक्की बात है 1,000 से 2,000 रुपए, नगर पालिका सार्वजनिक नोटिस के द्वारा यदि ऐसा निर्देश देना विधिपूर्ण होगा, यानी नगर पालिका के द्वारा पब्लिक नोटिस दिया गया वो विधिपूर्ण होगा कि नगर पालिका की सीमाओं के भीतर कोई व्यापारी है वो ऐसा व्यवसाय करता है जिसमें भट्टी लगी हुई है, वो वाष्प भट्टी लगी हुई है, वाष्प इंजन लगी हुई है, वो धुआं छोड़ता है,
तो नगर पालिका चाहती है कि उस भट्टी से जो धुआं निकल रहा है उस धुएं को या तो रोक दिया जाए या कैसे करके उसको शुद्ध कर दिया जाए, या ऐसी मशीन लगाई जाए कि धुएं का क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया जाए, तो काला वाला धुआं बाहर नहीं निकले, सफेद सफेद धोड़ा धोड़ा धुआं बाहर निकलेगा। कौन सा धोड़ा? सफेद धुआं ही बाहर निकले। कभी देखा कि फैक्ट्री में काला धुआं निकल रहा हो? ध्यान नहीं दिया कभी? देखना, नहीं निकलता है, सफेद धुआं ही निकलेगा, एकदम सफेद। काला धुआं नहीं, काला इसका मतलब है वो प्रदूषित है, वो अंदर मशीन फिल्टर लाइन लगा नहीं रखा है उसने। चिमनियां लगाते हैं ना ऊंची ऊंची, तो यहां पर चिमनी का भी प्रावधान किया जा सकता है। इसमें है 268 में, 258 में क्या है? फेलिया। ध्यान रखना इसका, प्रश्न मिलेंगे जो बीच बीच बता रहा हूं ना, आप कहोगे कि वाह लगता है, और होना कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। हजार से 2000 क्या किया उसने? अपना एक बूचड़खाना खोल दिया, लाइसेंस लिया नहीं, खुद का खोल दिया। तो नगर पालिका, यार खुद क्यों खोल रहे हो, मैं बना रहा हूं ये दुकान, ले तू मेरी ले ले। अगली धारा में ही ये 69 से नहीं है क्या? 70, 71, 72, यानी बिना अनुमति के, तो क्या क्या जरूरत थी, मैं बता रहा हूं, ले खोल। हाँ, इसमें क्या है कि बाहर, और 72 में क्या है? नहीं बसा। अगर नगर पालिका ने किसी बाजार वधशाला की अनुज्ञप्ति रोक दी है, निलंबित कर दी है, या फीस वापस ले ली है, अच्छा फीस वापस, ये फीस मुझे कहां से दिखा इसमें, या उसकी अनुज्ञप्ति वापस ले ली है, या पीड़ित व्यक्ति अपील किसके पास करेगा? किसके पास करेगा? जिला कलेक्टर के पास करेगा। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर करेगा पीड़ित व्यक्ति। एक जगह और था 30 दिन के भीतर, एक जगह और था 15 दिन के भीतर, क्या था? एक जगह और था 15 दिन, 30 दिन के भीतर। हाँ, रेगुलर लाइन के बाहर अगर आपका निर्माण है तो आप 15 दिन के भीतर हटाओ उसको, और अगर आपने आपकी रेगुलर लाइन से बाहर कोई आपका वैध निर्माण है जो नियमानुसार था, नगर पालिका की अनुमति से हुआ है, और आपको ऊपर दंड लगा दिया गया है, तो 30 दिन के भीतर आपको क्या करना है, आप वो जो दंड लगाया गया है उस पर अपील कर सकते हैं। यही तो है 269 किया गया, बाजार वधशालाओं की अनुज्ञप्ति पर रोक से पीड़ित व्यक्ति अनुज्ञप्ति वापस लेने के कितने समय के भीतर अपील कर सकता है? 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर कर सकता है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की बंद, ये कौन कौन सा गलत है? सही है, आप देखो, आपको बहुत सारी चीजें पता हो गया। 66 सही है, 68 सही है, 68 सही है, ये किसमें है? 69 में, समझ गए? 2009 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन छांटना है। नगर पालिका सार्वजनिक बाजार या वधशालाएं खोल सकेगी, नगर पालिका सीमाओं के बाहर वधशाला स्थापित कर सकेगी, खोल सकती है सरकार की अनुमति से। नई वधशाला स्थापित करने पर सार्वजनिक राय को जानना आवश्यक है। कतिपय स्थानों पर वधशाला स्थापित करने की अनुज्ञप्ति आवश्यक नहीं है, आवश्यक है कुछ स्थानों पर, आवश्यक कुछ स्थानों पर क्यों नहीं आवश्यक है? सभी जगह आवश्यक है, ये लाइन गलत है।
अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका द्वारा स्थापित वधशालाओं में बिना अनुमति के कोई वस्तु विक्रय करता है, पूछ पकड़ लियो, 1000 2000 रहो, कन्फर्म है एकदम, हजार 2000 है क्या? तो आप ये एक ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर ने ठान ही रखा है कि मैं वो प्रश्न नहीं दूंगा जिसका उत्तर 1000 से 2000 है, और लगभग चांस है कि प्रश्न वैसे ही आएगा जिसमें 1000 से 2000 का उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन तो होगा लेकिन दंड 2000 से 5 किसमें? सजा नहीं है। वो अतिक्रमण करने पर, इसमें 68 में 1000 से 2000 68 में अनुज्ञप्ति के बिना और रद्द करने पर, तू 268 में तो धुएं को खपाना, हाँ फिर वो तो उल्लंघन करने पर, पहली बार दंड लगा, नियम का उल्लंघन किया, फिर आदेश का उल्लंघन किया, नगरपालिका अपनी परिसीमाओं, निर्बंधों, शर्तों के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए खतरनाक बीमारियों को रोकने के लिए कदम उठा सकेगी, है? रोग से पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था करना करेगी, मजिस्ट्रेट की अनुमति से खतरनाक रोग फैलाने वाली गंदी झोपड़ियों को हटाना, इस कार्य में बाधा डालने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोकना, किसी व्यक्ति की संपत्ति नष्ट होने पर नगरपालिका प्रतिकर दे सकेगी, तो क्या होगा? 10,000 है क्या? है ही नहीं, 10,000 का जुर्माना ही नहीं है, है क्या? 10,000 का जुर्माना था, कहीं था क्या? वो अलग है, वो रेंज है 10,000। बाजार कौन सा गलत सुमेलित नहीं है, बाजार वधशालाओं में अनुमति देना सही है, किराए पर देना, बाहर वधशालाएं, हैं? ये 72 में है, कौन 72 में है, ये किसमें है? 72 में, समझ गए? प्रश्न गलत होगा क्या नगर पालिका से? मुझे नहीं लगता गलत होगा, अगर कोई लाइन से हटके भी प्रश्न आ गया ना आपका, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, तो लाइन से हटके भी आ गया ना तो भी सही कर लोगे, क्यों? क्या हाँ ये तो पढ़ा है, ये तो नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो ये था, ये नहीं, धाराएं हटा दो तो क्या दिक्कत है, ये लो, ये धाराएं हट गई, अब धाराएं हट गई, 4 लाइनें दे दी, कौन सी लाइन गलत है? धाराएं का मतलब सीधे सीधे नहीं पूछेंगे, अपन तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में, अपना उद्देश्य क्या है? प्रैक्टिस भी है कि हमें धाराएं याद हो जाए, और सबसे जो दोहरी धाराएं हैं, मतलब टफ धाराएं, वो कहाँ से कहाँ तक है? 101 से कहाँ दूर? 94 बहुत, पढ़ने की जरूरत नहीं 94 को, तो बातें बहुत ज्यादा है, सारी बातें हैं उसमें, लाइसेंस लेने से, अनुमति लेने से लेकर के 94 तो बहुत आसान है,
चौरानवे में, 194 में जुर्माना ज्यादा है। ये क्या कह रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा, भीड़ भाड़ वाला है, सरकार द्वारा घोषित भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। क्या लिखा है, अधिसूचित अति भीड़ वाला क्षेत्र। अधिसूचित का मतलब चिन्हित किया गया है कि ये भीड़ वाला क्षेत्र है, तो उसके संबंध में विशेष शक्तियां जो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जा सकेगी, उन शक्तियों का उल्लेख किस धारा में है, 274 भीड़ भाड़ वाला, अति भीड़ भाड़ वाला। कौन सी है, 274। रख रखाव के लिए उत्तरदायी कौन है, शमशानों के रख रखाव के, 75। ये भी लगातार ही है, 75, 76, 77, 78, 79 नहीं, लगातार है, 276 सही है क्या? सोच लो है ना, तो अपन तो हेडिंग देख रहे हैं, लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, अब देखो इसीलिए मैंने 75 बोला था, हेडिंग के साथ मत जाओ, केवल हेडिंग के साथ मत जाओ, अंदर निर्माण तो है ही है, रख रखाव और भी है, निदेशक जन स्वास्थ्य एवं जिला चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणित करने की कोई प्रमाणित करे कि कोई कब्रिस्तान जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो नगर पालिका उसे बंद कर सकेगी। एक किलोमीटर है, एक किलोमीटर है, नहीं मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, बंद कर सकेगी, बंद कर सकेगी, एक किलोमीटर ही है। हाँ हाँ, ये तो सीमा के भीतर लिखा हुआ है, हाँ तब ठीक है, नगर पालिका की सीमा है, उस सीमा के एक किलोमीटर बाहर, या एक किलोमीटर भीतर कर सकती, बाहर ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है, एक किलोमीटर के भीतर कोई स्थित है तो उसे बंद करा सकेगी, बस ये ध्यान रखना, कुछ है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका की अनुमति के बिना निर्धारित स्थान से भिन्न स्थान पर शव जलाने का कार्य करता है तो दंड होगा 1000 से 2000 से 3000 या 1000 से 2000, 1000 से 2000 रुपये, 1000 से 2000 रुपये, अरे 1000 से 2000 ही आ रहे हैं, यानी ये समझ लो कि अपन ने 261 से चले हैं और दंड सारे 1000 से 2000 आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रश्न ही ध्यान नहीं रखना, टेस्ट पेपर भी ध्यान रखना है, हाँ 261 से किए थे अपने और सारे में 1000 से
2011। निर्धारित मार्ग से भिन्न मार्ग पर शव ले जाता है, 1000 से 2000 तक। अगर कोई व्यक्ति जिसे शमशान भूमियों पर ईंधन विक्रय की अनुमति नहीं दी गई है तो कितने मीटर के भीतर ईंधन वस्तु का विक्रय नहीं करेगा? 300 मीटर के भीतर। अनुज्ञप्ति वापस ले ली है फिर भी वो 300 मीटर के भीतर बैठा लकड़ी बेच रहा है, कितना दंड? 1000 से 2000 या 2000 3000 है? दो हजार से 5000 तो कईयों में है। लावारिस लाशों को कितने समय के भीतर से भीतर समय भीतर से अन्यून समय के बाद दफना सकता है? 24 घंटे अन्यून समय में। अन्यून समय का मतलब, हाँ, 24 से कम नहीं समय के भीतर, मतलब 24 घंटे बीतने के बाद। क्या लाशों को कितने समय के भीतर से अन्यून समय के बाद दफनाया सकता है? 24 घंटे से अन्यून समय के बाद दफना सकता है। लैंग्वेज देखो क्या लिखा हो। हाँ, मिनिमम 24 घंटे का समय दिया जाएगा, उसके बाद दफनाया जाएगा। और दूसरी जो अन्य, ये तो लावारिस की है, ऐसी लाश जो लावारिस नहीं है और नगर पालिका को दफनाना है तो सारी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दफनाएगा। अरे खर्चा तो पीछे बचा ही नहीं है तो कौन लेगा, किससे लेगा, वो बात अलग है। हाँ, तो वो आवश्यक जो औपचारिकताएं पूरी कर ली, पोस्टमार्टम हो गया, सारा कुछ फॉर्मेलिटी हो गई, उसके बाद मृत पशुओं को हटाने के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? हैं? लास्ट वाला। हाँ, ये दिमाग में था मेरे, को बूचड़ खाना बंद करना था ना, ये यहां 3 किलोमीटर सही है, ये सही है, ये सही है, हैं? 2 किलोमीटर है। अच्छा, गलत पूछा है ना, ये 2 किलोमीटर आएगा तो इसको, ये गलत हो गया, ये गलत है। यहां 2 किलोमीटर आएगा। जब एग्जाम दो तो गलत सही लास्ट तक पढ़ना, ये नहीं लास्ट का डिब्बा छोड़ दो, डिब्बा गोल हो जाएगा तुरंत। लास्ट वाला तक, लास्ट तक पढ़ना है, गलत है सही है। हम पेपर आसान आए, हम खुशी से कर, इतना आसान पेपर, पहले ही 20 क्वेश्चन लगातार सही हो रहे हैं मेरे, नहीं तो पढ़ाई नहीं पीछे है, ये पढ़े 3 सही है उसमें, 3 नहीं है मैं, 1 गलत है 3 सही है, तो हमें सही वाला दिखेगा सबसे पहले, और ये सही है वही गलत। फिर आगे बढ़ा, थोड़ी देर बाद आप कहते हैं यार ये क्या पूछ लिया, फिर पड़ोसियों से मांगेगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्लेड दे दो रे कोई, क्योंकि जेब में डाल के ले जाए तो क्या कैसे रोक देगा? अरे जेब में ब्लेड पड़ी है, कैसे रोक देंगे? वो पेन में है कहीं पर, पेन लोहे की है, कहीं डाल दिया ले जाने। हम तो करते थे, ब्लेड ले जाते थे और OMR सीट को काट पीट कर एकदम मस्त करके कि आप देखो इसका वापस सिलाई कर दो। तो ये दूसरा गलत है।
280 में मृत पशुओं को हटाने का उपबंध है, ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है और वो अपनी दुकान में गोलगप्पे बेच रहे हैं, पिचके बेच रहे हैं और आप पिचके लपालप खाए जा रहे हो, नमक पिचके खाते हो ना, नहीं खाते? आज के बाद पिचके नहीं खाओगे आप? मैंने उसके बाद पिचके खाने, मतलब मान लो 99.99% बंद कर दिए, 1% कभी कभी बंद करके खा लेते हैं आंखें बंद करके, लेकिन आजकल हाथ में ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए तो थोड़ा ठीक है। तो रियल बताऊं मैं, जब ये बात है 2003 के आसपास की, जो भी यहाँ बीकानेर का एक फेमस पिचके वाला है उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात, वो आज का नहीं है, मैं उसको 1997 से जानता हूँ, नाम नहीं बताऊँ, नाम नहीं बताऊँ। उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, हीरो स्टाइल में हो गए, पहले छोटे छोटे थे, इतने थे, तो मैं ये पीछे ही गली में रहता था, तो मैं उसके घर पर चला गया पिछके लिए। वो परिचित थे, अगर सर आप घर पे आ जाया करो जब दिन में चाहिए तो मैं घर गया। अब घर में एंटर हुआ, बड़ियों के घर में रहता था वो, घर में एंटर हुआ, एंटर होते ही पानी की टंकी भरी हुई पिचके वाली, और वो बच्चा इसमें आ मामी कर रहा है, पिचके के पानी में बच्चा हाथ हिला रहा है, यूं यूं कर रहा है, चेक कर रहा है कैसा है पानी। हाँ वो मिला रहा था, छोटा बच्चा। फिर मैंने पिचके लिए, पानी नहीं लिया। अब तो चलो ये ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए उन्होंने, पहले इनकी जब चोट लग जाती थी तो वो नमक का पानी घाव हो जाते थे, मेरे सामने की बात है, वो पिचके दे रहा है और यहां घाव हो रखा है। करते हैं सारे घर हाँ तो टेस्ट चेंज हो जाएगा ना, तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। अरे यार पब्लिक पार्क में जाके देखो, इंदिरा फाउंटेन के पास जो कुंडिया है, कुंडिया में जो बेचने वाले हैं वो क्या कहते हैं उसको, छोले भटूरे, और उसमें जो पानी बर्तन धोने के लिए वो ही काम ले रहे हैं पानी, और उसमें कुत्ते नहाते हैं, इंदिरा फाउंटेन है ना, मिंटो हाउस, मिंटो गार्डन, मार्ले मिंटो गवर्नर उसके लिए बनाया था गंगा सिंह जी ने, वो आया था घूमने के लिए गोलैप्स रेस्टोरेंट के पीछे, वहां पे आया था, अखबार में आया था इसके न्यूज। तो कितना दंड है, 1000 से, पक्की बात है ना? नगर पालिका में लावारिस लाशों या अप्राकृतिक मृत्यु की दशा में लाशें दफनाने की शक्ति, पक्की है या 70? मृत पशु कहाँ है? है? 279 में, 80 में क्या है मृत? हाँ 81 में तीन किलोमीटर नहीं कब्रिस्तान, और क्या करना है
रास्ता निर्धारण करना। नगर पालिका की सीमाओं में कुछ प्रकार के व्यवसायों का नियमन का उपबंध कौन से धारा में है? कतिपय व्यवसाय भैया सिंह भीड़ वाली कहाँ है? 74 में है भीड़ वाली, 274 में भैया सिंह। अनुमति के बिना किसी शर्त का उल्लंघन करते हुए कोई व्यवसाय या व्यवसायिक व्यवसायी सायरन का उपयोग करता है तो दंड का प्रावधान है। हाँ, सायरन बजाएगा तो सायरन की आवाज ज्यादा है तो दंड भी ज्यादा है, कि बहुत सारे लोग प्रभावित हुए तो दंड 2000 से 5000 का 283 में, 284 व्यक्ति को संबोधित नोटिस यानी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को नोटिस दिया गया है और उसकी अवज्ञा होती है तो दंडित कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। 284 के तहत नगरपालिका अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को नोटिस संबोधित है, वेस्टी नोटिस ही है, तो नोटिस तामील करने के लिए नगरपालिका क्या कदम उठाएगी? उस व्यक्ति के अंतिम ज्ञात स्थान पर नोटिस छोड़ सकती है, है? सीमा के बाहर रहने वाले को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा, नोटिस लेने से इनकार करने पर उसके घर के सहज दृश्य यानी जो मेन गेट है, फ्रंट गेट है जहां एंट्री होती है उसकी, उस पर चिपका दिया जाएगा। अधिभोगी के नहीं मिलने पर परिवार के वयस्क पुरुष या नौकर को नोटिस दिया जाएगा। सभी सही है? है? पक्का है? सभी सही है? नहीं हुए तो है? सभी सही है। सार्वजनिक नोटिस का उल्लंघन करने पर पब्लिक नोटिस दिया गया कि ये काम कोई काम करना है या नहीं करना है, रोका गया है जनता को कुछ काम को करने के लिए, तो क्योंकि जनता एरिया ज्यादा हो गया, पूरी जनता पर है, तो जो जो दंडित होंगे या जो उल्लंघन करेंगे उनको 2000 से 5000, सायरन बजाएगा 2000 से 5000 क्योंकि एरिया बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अधिनियम के अधीन किसी भवन भूमि के स्वामी, इसको बिना पढ़े उसका उत्तर दे सकते हो क्या? हाँ, इसको बिना पढ़े भी उत्तर दे सकते, अपन कितने काबिल हो गए हैं, ऑप्शन देख कर कहते कि इसका उत्तर यही होगा, ढूंढ लो चाहे क्यों, है ना, कोई ऐसा काबिल नहीं होगा, सिलेक्शन हो ना हो लेकिन अधिनियम हमें नहीं, कह रहा हूं। अभी कहीं बाजार जा रहा था मेरे साथ एक व्यक्ति और था, तो मैंने कहा ये कुछ नाम नया निर्माण चल रहा था तो उसका छज्जा है वो कोई 7-8 फीट बाहर आया हुआ, मैंने कहा ये छज्जा तो गलत है, क्या तुझे कि गलत ही गलत दिखता है, कभी तो मुंह से अच्छा ही बोल दिया कर। अरे मैं कहा 3 फीट से ज्यादा छज्जा नहीं हो सकता, बालकनी नहीं हो सकती, सोनगिर कुआ है ना, उसके बाद मोड़ है ना, मोड़ के ऊपर एक दुकान बनी है, उसका छज्जा इतना बाहर आया, 3 फीट से ज्यादा वाल को बीके स्कूल के पास, तो हाँ बीके स्कूल के पास है एक। तो अगर कोई व्यक्ति मतलब किसी भूमि भवन स्वामी अधिभोगी किसी कार्य को करने की अपेक्षा करता है, उसको कहा था कि काम करना है नहीं करता है और उस कार्य का निष्पादन फिर क्या कौन करती है? नगर पालिका करती है, तो उसका खर्चा का कितना वसूला जाएगा? 10%। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा उपबंध के संबंध में कौन सा सुमिलित नहीं है? कहीं 84, 85, 86 लाइन से दे दिए मैंने, लाइन से दे दिए,
कहींसी में सायरन बजाएगा तो सायरन नहीं बजेगा आगे से, रुपए 5,000 ठोके हैं अधिकतम। व्यक्तिगत है 84 में, व्यक्तिगत नोटिस की अवज्ञा 85 में, दंड कितना है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत नोटिस का, ये सार्वजनिक का था। है? 2000 है क्या? वही तो कह रहा हूं। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंडिविजुअल नोटिस है 2000 रुपए, 1000 से 2000, 1000 नहीं है इसमें, केवल 2000 है, 2000 का। अब 2000 से 5000 कहां होगा, जब कोई व्यापक हो, सार्वजनिक हो, सायरन सार्वजनिक हो गया है, लंबे चौड़े एरिया को प्रभावित कर रहा है, तो 2000 से 5000 रुपए। और सार्वजनिक नोटिस का उल्लंघन किया, इसका मतलब बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं उसकी, उसके द्वारा उल्लंघन करने पर, तो 2000 से 5000, दो जगह तो आया 5000, तो ये गलत है, कैसे गलत है? क्या है इसमें सार्वजनिक नोटिस, व्यक्ति नोटिस की अवज्ञा करता है तो 2000 रुपए। दो हजार ही है इसमें, हाँ। स्वामी अगर किसी कार्य को करने मैं मना कर देता कि नहीं करूंगा, करूंगा, दो करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी टाइम नहीं है, छुट्टियां करूंगा, गर्मी की छुट्टियां करूंगा, दीपावली छुट्टियां करूंगा, संडे को, तो अधिभोगी वो काम करेगा किसके अनुमोदन से? सीएमओ के अनुमोदन से। नहीं नहीं, कौन देगा किसके अनुमोदन से? नगरपालिका के का, अच्छा ऑप्शन है ना, नगर पालिका बोर्ड के अनुमोदन, 315 कहाँ आई है? हाँ, नगर पालिका के कार्यों के लिए जो व्यक्ति काम में लगा हुआ है उसके काम में कोई दुखी आदमी व्यवधान उत्पन्न, दुखी आदमी होते हैं वो जो सरकारी काम में जाकर हो रहा है ये ऐसे नहीं करो ये, इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेट है, वो बिल्कुल दुखी आत्मा है, दुखी आत्मा है जो भटक रही है, जन्म जन्मांतर भटकती रहेगी, जब तक दुख नहीं मिटेगा तब, हाँ। तो वो कितना दंड मिलेगा उसको? 2000 से 5000। देखो 1000 से 2000 तो ऑप्शन है नहीं इसमें, इसका मतलब 2000 से 5000 का, सही है? गलत हो गया तो हाँ? 290 में है क्या ये? 290 में हाँ गिरफ्तार भी हो सकता है, हाँ ठीक है ठीक है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम के तहत किसी प्रायोजन के लिए किसी भवन भूमि में कितने समय पूर्व के लिखित नोटिस के बाद प्रवेश कर सकेगा? 48 घंटे या 24 घंटे? 48 घंटे तो एक जगह आया था, 24 घंटे, 24 घंटे हाँ, न दे दिया जाए तब तक वो प्रवेश नहीं करेगा, 24 घंटे, 48 घंटे नहीं, 48 घंटे से तो विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। नगर पालिका अधिनियम के संबंध में सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं,
289 में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पता है अजीब गरीब है ये नहीं, आगे आएगी, आगे आएगी, 92, 93, 94 कार्रवाई है यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है। 2 से 5 हज़ार के कार्यों में नियोजित व्यक्ति के कार्य में बाधा डालने पर दंड 2 से 5 हज़ार। 292 में अधिनियम के प्रायोजन के लिए प्रवेश, 213 में प्रवेश की शक्ति नहीं है, में प्रवेश की शक्ति, 93 में प्रवेश की शक्ति नहीं है, 94 में प्रवेश की शक्ति है। अलग अलग कर लेना दंडों को सबको, और दंडित करने वाला अधिकारी कौन है वो अलग कर लेना। 40 के 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। वो तो है क्या अभी उसमें योजनाओं में कुछ नहीं है, बहुत सरल योजना है, 10 मिनट की एक योजना है, रिवीजन करो तो अपन जो कर किया है उसके अनुसार। 10 मिनट में 8 योजनाएं हैं, कितने मिनट रह गए, 8 है योजनाएं, 8 ही है, 8 योजनाएं, तो 10 मिनट में एक डिवीजन करो तो 80 मिनट लगे, 80 लगे ना, है 1 घंटा 20 मिनट लगे। ये फाटक तोड़ के दरवाजे खोल के अंदर प्रवेश कर सकता है कब, 292 के तहत, दो देख 292 के तहत प्रवेश करेगा, 294 में, 294 सीधा आ जाए। देखो अब ये प्रश्न आ सकता है, धारा का सीधा पूछ ले कि नगर पालिका द्वारा अधिगत अधिकारी तलाशी या निरीक्षण के लिए किसी भी दरवाजे फाटक अवरोध को तोड़कर प्रवेश कर सकेगा, तो इसमें ज्यादातर क्या करेंगे, 292 करेंगे, जबकि 292 में तो प्रावधान किया गया है प्रवेश कौन से में कर रहा है, 94 में कर रहा है। नगर पालिका संघ 297 पूछ सकते हैं, किचे पर कितने प्रतिशत, 50% नगर पालिका सदस्यों का अनुमोदन, सदस्यों का अनुमोदन होना जरूरी है तब वो संघ बनेगा, नगर पालिका का संघ बनेगा। नगर पालिका और किसी अन्य पक्ष के बीच प्रतिक्रिया नुकसान के संबंध विवाद उत्पन्न होने पर उस विवाद को हल किस धारा के तहत किया जाएगा, कब से कर रहे हैं अपन, पहले दिन से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्या, 295 के तहत, 295 के तहत। कौन सा क्या कह रहा है, नगर पालिका के द्वारा कोई निर्धारित रकम उसी रीति से वसूल जाएगी जिस जैसे इस अधिनियम के अधीन किसी कर को वसूला जाता, कौन सा, 200 सही है, गलत हो गया तो है पक्की बात है, 296 प्रश्न इंपोर्टेंट है ध्यान, 295 इंपोर्टेंट है, 296 इंपोर्टेंट। देखो सीधा पूछे ना पूछे प्रश्न आ सकता है, 200
चौरानवे, 295, 296, 245, 268, 258, 261, 261, आ सकते हैं यहां से प्रश्न। संघ के लिए कितने लोगों की, मतलब कितने नगरपालिकाओं सदस्यों की सहमति चाहिए, नगरपालिका की सहमति मतलब सदस्यों की सहमति चाहिए कितनी, आधे से अधिक सदस्यों की सहमति चाहिए तब संघ बनेगा। संघ का नाम कौन रखेगा, राज्य सरकार करेगी, किसके कहने से, नगरपालिका कहेगी हमारा ये नाम रख लो ना। क्या नगरपालिका, क्या राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत का नाम स्थान परिवर्तन कर सकती है, क्या राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत का नाम और स्थान, कार्यालय स्थान नाम परिवर्तन कर सकती है, जगह चेंज कर दी कार्यालय की और उनका ग्राम पंचायत का नाम चेंज कर दिया, पहले कोई नाम था देसलसर, अब कर दिया देसलसर पुरोहितान, क्या ऐसा कर सकती है, कर सकती है, कैसे करेगी है? सहमति से, किसकी सहमति से, नगर पालिका की सहमति से ग्राम पंचायत का नाम चेंज करेंगे, उल्टा लटक लूं मैं। गांव वाले किया था ना अपन ने, एक महीने पहले देंगे, जब भी लिखे देंगे उसके एक महीने बाद नगर पालिका उस सॉरी ग्राम पंचायत का नाम, लेकिन नगर पालिका में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में कौन सा कथन गलत है, पहला सही है, सही है क्या, दूसरा सही है, तीजा, जल निकास संकलन के निष्पादन का निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी बिना नोटिस के भूमि भवन में निरीक्षण नहीं कर सकता, हो गया ना चक्री बन गई ना, इसको कहते हैं जमीन चक्री, मोटोड़ी चक्री है, घूम रही है काफी देर तक घूमती है। अब उत्तर कौन सा गलत है, दूसरा गलत है। अब हाँ एग्जाम आ गए तो ये तो पता ही है, 295, 294 में कैसे, ये क्या लिखा है, कतिपय मामलों में, कुछ मामलों में, तो कौन सा सही होगा है, तीसरा, तीसरे में क्या लिखा है देखो, तुम देखोगे क्या तीसरा क्या लिखा है, जल निकास संकर्म के निष्पादन का निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी बिना नोटिस के भूमि में भूमि भवन का निरीक्षण नहीं कर सकता, कर सकता है वो नोटिस नहीं देगा, तो ये कौन सा गलत है, ये गलत है, देखो चरण में क्या लिखा है, क्या है, और है बात 92 की बात ही नहीं कर रहे हैं अपन, तो चार लाइनें दे रखी हैं, एक लाइन है वो गलत है इसमें से, तो फिर ये प्रश्न क्या, बिना नोटिस के जा सकता है, जल निकास सेटअप देखने के लिए आपका घर बन रहा है, आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और वो निरीक्षण अधिकारी आ सकता है कि भाई आपका ड्रेनेज सिस्टम सही है कि नहीं है, उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि पहले नोटिस देगा और फिर आप कहोगे कि हाँ आप आ जाओ, और नहीं, वो कभी भी निरीक्षण के लिए जा सकता है,
निर्माण कार्य के दौरान नगर पालिका की समिति निर्माण कार्य स्थल पर निरीक्षण करने के लिए कभी भी जा सकती है, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे कर देते हैं 295 कर देते हैं, आपके कहने से कर रहा हूं मैं तो, और मुझे पता है गड़बड़ी हो जाएगी फिर, क्यों क्या है ये तो ये था है? सही है, इसको 295 कर देना। नगर पालिका अधिनियम 2009 ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट इनका कह रहा था, ये चारों इंपॉर्टेंट है। चौथा गलत है, 97 में है ये 290। निवारक निरीक्षण प्रवेश करने की शक्ति 92 में अधिनियम प्रायोजन के लिए प्रवेश, प्रायोजन के लिए प्रवेश। यदि कोई अधिभोगी यानी उस जमीन का घर का उपयोग करने वाला व्यक्ति अधिनियम के अधीन कोई कार्य निष्पादन करने का किरायेदार है या बेटा है, पिता चाहते हैं कंस्ट्रक्शन करवा दो, बेटा चाहता है कि पिताजी कहीं कंस्ट्रक्शन के चक्कर में ये घर कंस्ट्रक्शन करवा कर रिकंस्ट्रक्ट करवा कर दूसरे बेटे को न दे दे, तो वो क्या कह रहा है, विरोध करता है, तो उसको आदेश देने के यानी उसको कहा गया कि यहाँ का निर्माण करना है तो 8 दिवस की समाप्ति के बाद भी वो अनुमति नहीं देता है तो दंड का प्रावधान है। हाँ, 1000 से 2000, ये कहां पर है, कौन से में, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये वाला, 8 दिवस की समाप्ति के बाद भी अनुज्ञा देने से इनकार करता है, नगरपालिका से नोटिस दिलवा दिया कि काम करने दे पिताजी को, या किरायेदार हैं, किरायेदार चाहता है कि मैं खाली ना करूं, कब्जे के मूड में, ये पूरे 50 प्रश्न, कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? अरे कुछ फर्क पड़ा क्या? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, मतलब एक याद हुआ नहीं हुआ, एक थोड़ा सा क्लियर तो हुआ कि कहां कहां क्या क्या आ रहा है, दंड का तो पता चला ना कि 261 से लेकर लगभग सब में 1000 से 2000 हैं। हाँ, और दो ही जगह आया है 2000 से 5000, सायरन और सार्वजनिक नोटिस का 2000 से 5000, बाकी सड़क पे कचरा खोल फेंक दिया तो 500 रुपये। हाँ तो आ तुरंत, हाँ जानबूझकर सड़क पे रॉकेट ऊपर न छोड़ के सभी बराबर छोड़ा, क्योंकि सामने आपका प्रिय दोस्त आ रहा है और आप उसको पीड़ा देना चाहते हैं, तो रॉकेट को समतल छोड़ा और तुड़ी लगा दी, तो वो सीधा गया और रास्ता ढूंढते ढूंढते